वालिद की हुकूमत में वजारत क्यों नहीं ली? हमजा शहबाज ने सवाल पर खामोशी तोड़ दी। आम इंतखाबात के बाद से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ सियासी मामलात में कुछ खास मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे थे, मगर अब उन्होंने बता दिया है कि वफाक में वजारत क्यों नहीं ली। वफाक में वजारत ना लेने के सवाल पर हमजा शहबाज ने क्या जवाब दिया, सबको हैरान कर दिया। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत अभी कायम हुई, इसकी कारकर्दगी से मुतालिक कहना कबल वक्त है, आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। ये भी कबल वक्त है, अभी हुकूमत जो है वो कायम हुई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाल्लाह चला अल्लाह के उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी अवाम को। सहाफी की जानिब से हमजा शहबाज से सवाल किया गया, कोई वजारत नहीं ली, क्या आपकी नजरें पंजाब पर हैं? जिस पर हमजा शहबाज ने दिलचस्प जवाब दिया, कहा कि सियासत ओहदों से नहीं की जाती, सियासत अल्लाह की मखलूक को राजी करने का नाम है। मेरी नजरें आसमान वाले पर है, सियासत जो है वो ओहदों से नहीं की जाती है, सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है और अल्लाह ताला को राजी करने का बेहतरीन जरिया है। लोगों की खिदमत कर अल्लाह को राजी कर अल्लाह की मखलूक को राजी करके इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। हमजा शहबाज ने कहा मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुजीर है, हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मिलकर मुआशी बहाली की कोशिश कर रही है।